गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम अगले दिन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम टाइम पे नहीं कर पाते। तो खैर, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास कि जो भी चीज़ें आपको अगले दिन करनी है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, जैसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और दूसरे दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसको पढ़ती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। और उसके बाद थोड़ी देर मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने मन को स्टेबल और काम रखने के लिए। और उसके बाद ही मैं दिन के आगे की जो प्रक्रिया होती है, जो भी काम मुझे करना होता है वो करती हूँ। उसके बाद जब मैं काम करने के लिए मतलब बेड से उतरती हूँ तो भी मैं वो एक बार पढ़ लेती हूँ। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अगर हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो उस चीज़ को वो मतलब उसे लगता है कि हाँ, ये उसकी ड्यूटी है फॉलो करना, और उस चीज़ को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करता है। हाँ, अंदर से भी हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, वो चीज़ मुझे करनी है। मतलब थॉट्स कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ी ना कुछ करना है, ऐसे लिख रही हूँ। तो ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे करना है। उसके बाद आप लिखें तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको अगले दिन जो जो करना है वो अपने आप ही मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होता जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो हो जाता है ना, जैसे कई बार गेस्ट आ गए या कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेंगी। और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है ना, तो उसके बाद उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। और लिखने का यही मतलब बेनिफिट है सबसे बड़ा, जो कि मैंने खुद महसूस किया, मैंने खुद फील किया है। जैसे कि मुझे मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम होता है, कई बार गेस्ट भी आने होते हैं और कई बार खुद भी बाहर जाना होता है और अलग अलग तरह के काम, तो सब चीज़ों को मैनेज करना, ऐसे अगर मैं सोचूं कि हाँ, मुझे अगले दिन ये करना है वो करना है तो नहीं हो मुझे पाता। लगा कि मेरी सारी किताबें आ चुकी हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा किताबें रखी हुई हैं, तो ये भी किताबें बहुत सारी हैं, देखती हूँ कहाँ पे रखूँगी इन्हें। और लिखने से मैं बहुत इजीली चीज़ों को फॉलो कर पाती हूँ। अब मैं थोड़ी देर छत पे आई हूँ, तो छत पे अभी बहुत कम रोशनी है, मतलब अभी सुबह हुई नहीं अच्छी तरीके से, तो इसलिए मतलब बिल्कुल ब्लर ब्लर से आ रहा है। तो छत पे थोड़ी देर मैं नंगे पैर रहती हूँ, क्योंकि वैसे यहाँ मिट्टी तो होती नहीं है जिससे हम ग्राउंडेड रह सकें। तो नंगे पैर आप थोड़ी देर छत पे या जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती है तो वहाँ पे रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये चांद दिख रहा है, मतलब अभी सूर्योदय में बहुत टाइम है। उसके बाद थोड़ी देर छत पे घूमने फिरने के बाद फिर मैं इधर नीचे तक पोछा लगाते हुए आती हूँ। मैं पोछा की बाल्टी वगैरह लेके आती हूँ, और सुबह ही मैंने मशीन लगा ली थी, और जो भी मुझे काम करना था, जो भी एक्स्ट्रा काम भी था, वो सब कुछ मैंने पहले ही लिख रखा था, और मैं ऊपर से नीचे पोछा लगाते हुए आ चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और आप लोग भी अगर जॉब करते हैं या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और लिखने से कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जितना मैं सोचती हूँ उससे ज़्यादा। और आज मुझे थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनने का, तो मैंने ये साड़ी निकाली है। और हमेशा की तरह जैसे मेरा होता है, साड़ी मतलब जब भी मुझे पहनना होता है, ये मैंने डिसाइड तो पहले ही कर लिया था ये साड़ी पहननी है, लेकिन इसमें फॉल नहीं लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने सोच लिया तो पहनूंगी। और इसके साथ मैं ब्लाउज़ ये वाला पहनने जा रही हूँ, तो इसका जो ब्लाउज़ पीस है इस साड़ी के साथ अटैच ही है, तो इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने लिख के रखा था ना कि मुझे क्या क्या करना है, तो मेरा टाइम से पहले काम हो भी गया, और मैंने इतनी सारी नौटंकियाँ जो मुझे करना था वो भी कर लिया। नहीं तो ना, एक कपड़ा भी निकालने लग जाओ ना तो वो भी नहीं टाइम पे निकल पाता। और ये बैंगल्स मैंने निकाले हैं जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। बस मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने से पहले अभी ये लगाऊंगी फेस मास्क, और शैम्पू मैं आज शैम्पू करूँगी, क्योंकि कल मैंने मेहंदी लगाई थी, जिसकी वजह से मतलब मेहंदी लगाने के बाद मैंने शैम्पू नहीं किया था, आज शैम्पू करना है मुझे। जैसे स्कैल्प ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से डैंड्रफ होने लग जाते हैं, और वो डैंड्रफ जब कपड़ों पर गिरने लग जाते हैं तब सबसे बुरा लगता है, तो उसी के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें लेमन और जिंजर है। जैसे हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ की वजह से इचीनेस होती है, खुजली होती है, तो वो सब नहीं होगा। तो ये मैं मतलब पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो पहली बार नहीं यूज़ करने जा रही हूँ, तो ये मैं लगाने जा रही हूँ। और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, और हर टाइप की हेयर के लिए सूटेबल है। मतलब आपके हेयर किसी भी टाइप के हो तो हर टाइप की हेयर के लिए सूटेबल है। तो ये शैम्पू मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मेरे हेयर जो है, मैंने लास्ट ईयर स्ट्रेटनिंग कराई थी, तो स्ट्रेटनिंग में तो ये हो जाता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से शैम्पू चूज़ करना होता है, तो मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स और शैम्पू वगैरह आराम से लगा सकती हूँ। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो अगर आपके बालों को आपने केमिकली ट्रीट किया है या मतलब स्ट्रेटनिंग कराई है या कलर ही किया है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, मतलब बालों के लिए हार्श नहीं है। इसका जैसे नाम ही है लेमन शैम्पू, तो लेमन इसका मेन इंग्रेडिएंट है।
लेमन हमें सबको ही पता है कि जो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो स्कैल्प से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, उस सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जिंजर है जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारी हेयर के लिए। तो ये हो गया शैम्पू, और उसके बाद है मामा अर्थ का ही लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, और ये मतलब बालों से अच्छी तरीके से डैंड्रफ निकालता है, बालों को बिना नुकसान पहुँचाए हुए। आपने हेयर कलर भी करा रखा है तो भी आप इसको निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ये भी मेड से एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और हर टाइप की हेयर के लिए सूटेबल है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ शैम्पू करने, और अभी मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल जैसे कि क्या बोलते हैं मेहंदी लगाई थी, तो वो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लूँगी। उसके बाद ये मैं मामाअर्थ का मास्क लगाते हुए, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, मुझे तो ये मास्क काफ़ी सही लगता है, तो मैं सब मास्क लगा लेती हूँ, थोड़ा स्किन मेरी अच्छी हो जाएगी। और मैं कुछ बड़बड़ा रही हूँ लेकिन बाहर शोर आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। और शैम्पू करने से पहले बालों को गीला कर लिया, फिर उसके बाद अपने बालों के हिसाब से मैंने शैम्पू निकाल लिया, और उसके बाद शैम्पू करना है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, और अब मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है कंडीशनर की, तो कंडीशनर मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाला है क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, बालों की लेंथ में लगाना है और उसके बाद वॉश कर लेना है थोड़ी देर बाद, एक दो मिनट बाद। तो अगर ऐप की लिंक आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ऑफ़र्स और प्रमोशंस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है वो अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जैसे मामा अर्थ की वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं, आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है, और 2025 तक मामा अर्थ का एम है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। आपके एरिया में अगर कोई मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर है तो ज़रूर बताइएगा। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस बालों का वेट करूँ सूखने का, तो ये सूख जाएंगे तो उसके बाद कुछ क्लचर या जो भी लगाऊंगी तो सूख जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और कल मेहंदी लगाई थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ ये है कि पहनने में ऐसा लग रहा है मतलब चलने में कि कहीं खुल ना जाए ये मतलब जो लोग रेगुलर नहीं पहनते हो उनको लगता ही होगा ऐसा। तो कुछ दिन अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब गर्मियों में एटलीस्ट रेगुलर पहनूँ। चलिए अब तैयार हो जाते, तैयार क्या, तैयार तो हो ही चुकी हूँ, बस बैंगल्स चेंज कर। तो ये बैंगल्स मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, तो ये मैं एक्चुअली मैं सही से मैच नहीं कर पाई, मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी शायद, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मम्मी ने भी दिए थे मदर इन लॉ ने भी, तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे पूजा भी करनी है और थोड़ा सा आज काम है दूसरा, तो ये मैंने चेंज कर लिया, और साड़ी मेरी कुछ इस टाइप से लग रही है। और अब इधर का व्यू दिखा देती हूँ, शक्ल मतलब पूरा एक साथ नहीं दिख रहा है, और सिंदूर भी लगा लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बना रही हूँ प्रसाद, खीर बना रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। और ये सारा कुछ कर मतलब करते करते मेरे को 9 बज जाएंगे लगभग, लेकिन मैंने पहले ही जो ब्रेकफास्ट भी जो मुझे बनाना था वो मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, सब कुछ मैंने मतलब पहले से ही डिसाइड कर लिया था। तो जैसे ही किचन में गई तो मैंने फटाफट से जो चीज़ें मुझे बनानी थी वो मैंने निकाल लिया। तो मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, तो इसमें जो भी मसाले आपको की श्रद्धा हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, थोड़ा सा ये कलौंजी बोलते हैं, अदरक और नमक सेंधा, लाल मिर्च पाउडर जो कि मुझे अच्छा लगता है, बाकी काली मिर्च पाउडर भी डालूंगी, और बाकी आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, क्योंकि जितने चीज़ें डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, और इधर मैंने खीर चढ़ा रखी है, और हरी मिर्च मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं डाल रही हूँ, ये मैं बस डेकोरेशन के लिए डालती हूँ, और बहुत ज़्यादा बारीक डालूंगी तो मुँह में जाएगी जो मतलब यश को फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत रहे, थोड़ा चीज़ों को सही से सोच पाए, तो उसके लिए एक काम करना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी बिलोंगिंग्स हैं, उनको क्लटर फ्री रखिए, उनको ऑर्गेनाइज रखिए, उससे आप देखेंगे कि आपका मन बहुत शांत रहता है, आप चीज़ों को सही से सोच पाते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठूंगी क्योंकि सुबह से बैठी नहीं हूँ, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और दिखाती हूँ आपको, तो ये भी मैं पहन लेती हूँ, बस अब थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी पूजा करने। और ये तब से फूल झाड़ू वाइपर कंटिन्यूसली बोले जा रहा है, मतलब सुबह के टाइम, सुबह शाम हमेशा यहाँ पे चलता ही रहता है, फोकस बहुत रहते हैं। इस नेकलेस में जो ये मोती लगा हुआ है ये मेरी नानी का था, उसके बाद मम्मी को मिला, फिर मम्मी ने मुझे दिया, मतलब हम सब सिस्टर के पास थोड़ा थोड़ा है। और ये प्रसाद वगैरह तो अब मैं लेके जा रही हूँ सबको देने के लिए, खैर अभी मुझे टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मैं गप्पे भी मारूंगी सबके साथ। तो घर आने के बाद मैंने चावल बना लिया है,
और इधर ये मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। पहले सलाद खा लेती हूँ ये बिना नमक वाला। तो सलाद वगैरह खाने के बाद फिर मैंने ये खाना बनाया है, और सब्जी दाल चावल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और मेरा सभी काम टाइम पे हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पापड़, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शाम घर। हो चुकी है और मैंने एक हैंगर मंगाए थे, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाए थे, मेरे को 15-20 दिन हो गए अब आया, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे लगा पता नहीं क्या आया क्या आया, कोई भी कुरियर वाला आता है ना तो टेंशन हो जाती है। मुझे लगता है कि जब कमल जी घर पे होते हैं मुझे टेंशन हो जाती है, पता नहीं मेरा क्या सामान आ गया। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अगर मैंने तीन का सेट के लिए 3 दर्जन मंगाए थे, तो ये देख लेती हूँ कि पूरे हैं कि नहीं। पहले तो मुझे लगा कि कम ना भेज दियो, तो ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं और ये सब निकल रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो अलमारी में टांगने के लिए चाहिए, देखती हूँ अगर सही निकलते हैं तो। और बाकी ये मुझे सस्ते पड़े हैं, जो लोकल मार्केट से मैं लेती हूँ उससे काफ़ी सस्ते पड़े हैं। अभी मैंने देखा है हैंगर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की है, मतलब हद से ही ज़्यादा हल्की। इतने पतले हैंगर मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, और पता नहीं इस पर साड़ियाँ टंगेगी कि नहीं। लेकिन शर्ट वगैरह के लिए ठीक है, जेंट्स के कपड़ों के लिए। वैसे पैसे मैंने बहुत कम मतलब कम पैसों में मिला है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी बहुत हल्की है हद से ज़्यादा। अभी जैसे कि हमारे घर में अभी पेंट वगैरह हुआ था, तो अभी भी सारा कुछ नहीं अरेंज हो पाया है। तो ये मेरे हस्बैंड की शर्ट्स हैं, जो कि मतलब कुछ शर्ट्स मैं अलग रख दूँगी, और ये शर्ट ही ढूँढ रहे थे, नहीं मिल रही थी उनको, तो कुछ शर्ट्स अलग रख दूँगी। सारी अगर मैं उनके एक साथ टांग दूँगी तो वो सारा डेली यूज़ में पहन लेंगे, फिर बाहर जाते समय कहेंगे मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है। तो कुछ अलग रख देती हूँ, कुछ डेली के लिए मैं टांग देती हूँ। और मेरे घर में ये सब काम मेरा ही है, ये सब काम इन लोगों में से कोई नहीं करता है, मतलब इस काम पे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मैं नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही रहेगा। खैर ये लोग दूसरा काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो ये आयरन अब मैं बाहर से करवाती हूँ, पहले मैं घर में ही करती हूँ। अपने कपड़े अभी भी मैं घर में ही करती हूँ, और ये कपड़ों को मैं हैंग कर रही हूँ। और जैसे ये तो मतलब शर्ट्स हैं, और बाकी कुछ कपड़े उनके नीचे हैं, और जैसे कि ये जो भी कपड़े हैं सामने हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखने की। तो जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं उनको अगर आप ऑर्गेनाइज़ रखेंगे तो आपका जो माइंड है बहुत हद तक आपका क्लियर रहेगा। आप जो भी सोचेंगे तो मतलब क्लियरली सोच पाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमेशा दिमाग में कुछ उलझन सी हो रही है। और जैसे कि ये सब चीज़ें मेरे अंडर में आती हैं, तो अगर मैं इनको सही से नहीं रखूँगी तो मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता है। फिर मैं मतलब जो भी काम करने जाती हूँ तो मुझे ऐसे उलझन सी लगती है। और जैसे ये चीज़ें अरेंज रहती हैं, मैनेज रहती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ हल्का हल्का। तो बस इन शर्ट्स को हैंग कर रही हूँ। मतलब जो चीज़ आपकी बिलोंगिंग्स हैं या आपके अंडर में है, वो आप अगर मैनेज रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत हद तक क्लियर रहेगा, आप इजीली सोच पाएंगे। और ये सब करने के बाद मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मक्खन निकाल लेती हूँ। तो काम जल्दी निपट गया था रात का, तो मैंने सोचा मक्खन निकाल ही लूँ आज। फिर वैसे ये सुबह का था, अगले दिन सुबह का, तो टाइम एक्स्ट्रा था तो मैंने कर लिया। तो मक्खन निकालने के लिए पहले मैं हाथ से करती थी, लेकिन अब मैं मिक्सी में इसको चला देती हूँ। और मैं सोच रही थी घी बनाने का, फिर मैंने कहा नहीं घी नहीं बनाती हूँ, घी तो है ही, और घर के लिए मतलब मक्खन भी कई बार होता है ना कि पराठे वगैरह के साथ खाने के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ। ये छाछ निकल गई, तो ये कढ़ी बनाने के काम आएगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, तो अभी टाइम है, जैसे कि अभी 7:15 बजे हैं, रात का खाना वगैरह हो चुका है हमारा, तो मैंने सोचा कि अभी काम कर लेती हूँ। तो ये मक्खन इस तरीके से मैं निकालती हूँ। और जब भी मैं वॉइस ओवर करने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर आता होगा बाहर आपको, तो खैर ये तो मेरा यहाँ पे चलता ही रहेगा। और उसके बाद जैसे ये सब करने के बाद मैं जब सोने जाऊँगी, तो सोने से पहले मैं जो भी मुझे अगले दिन करना है वो सारा कुछ मैं लिख लूँगी, और एक एक डिटेल लिखूँगी, जिससे कि मुझे अगले दिन वो चीज़ें करने के लिए ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालना पड़े। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही।